बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और बहनों, आज सोमवार पीर के दिन आप एक लफ्ज़ एक ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी या कोई भी मसला है जो आप चाहते हैं हल हो जाए, या कोई बीमारी है जो आप चाहते हैं दूर हो जाए, या आप अपने दिल का सुकून चाहते हैं, तो ये लफ्ज़ बड़ा बेहतरीन है। कौन सा लफ्ज़ आपने पढ़ना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बस इतना पढ़ना है। एक बार अल्लाहु अकबर पढ़ने पर इंसान को एक ऊँट अल्लाह की राह में सदका करने का अजर मिलता है, अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा जब आप बार बार सदका करेंगे, बार बार अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, तो सदके से मेरा अल्लाह तमाम बलाएँ, परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें दूर फरमा देगा। और दुनिया की कोई चीज़ जो आप चाहते हैं या कोई मसला जिससे आप चाहते हैं ख़त्म हो जाए, तो आप उसको जहन में रख कर सारा दिन आज भी और जब फारिग हों पढ़ते रहें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह, तू सबसे बड़ा है, तू जो चाहे कर सकता है, अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह, मेरी ये दुआ पूरी फरमा दे और मेरे इस मसले को हल फरमा दे। बड़े बड़े लोगों ने अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा किया और मेरे अल्लाह ने उनके बड़े बड़े मसले हल कर दिए। मेरे भाई और बहनों, आप भी अल्लाहु अकबर का विर्द करते रहें, अभी करें, हर रोज़ करें, आपके भी नामुमकिन से नामुमकिन मसले ज़रूर हल होंगे। याद रखिएगा मेरी ये बात, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। आइए मिलके पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला से उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए दिल से जो दुआ का कहते हैं, जो नहीं भी कहते। ऐ मेरे पाक अल्लाह, हर इंसान के हर गम, परेशानी और बीमारी को दूर फरमा दीजिए। आमीन, आमीन।